ताकि आप जानते हैं किसी अपराध का जब प्रसार बहुत हो जाता है या बढ़ जाता है तो उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट कानून बनाती है। 2012 का ये कानून है जिसमें द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, इसमें सिर्फ लड़कियां ही नहीं कवर की गई बल्कि लड़के भी कवर किए गए जो कि 18 वर्ष की अवस्था से कम है, अगर उनके साथ किसी प्रकार का कोई भी लैंगिक अपराध किसी की भी व्यक्ति द्वारा कारित किया जाता है तो उसके लिए इसमें दंड का प्रावधान बनाया गया। इस संबंध में सामान्यतः पाया गया है कि जितने भी जैसे कि रेप का है, छेड़छाड़ का है, या कोई स्टॉकिंग कर रहा है, कोई उसका वीडियोग्राफ कुछ भी तैयार कर रहा है, तो अधिकतर ये पाया गया कि काफी कम एज के, बिलो द एज ऑफ 18 इयर्स के बच्चे ही इसमें कवर हो रहे हैं। इसका तात्पर्य यह है कि इसमें सभी कवर होते हैं, बच्चा हो या बच्ची। पहले तो 376 एक कॉमन धारा थी, 354 थी, जैसे निर्भया कांड हुआ तो उसमें 354 में भी काफी अमेंडमेंट हुए, 354 बाद 354 ए बी सी डी बना, फिर 164 सीआरपीसी में अमेंडमेंट हुआ। अगर महिलाओं के विरुद्ध जो भी अपराध होते हैं उनसे अगर जैसे ही रिपोर्ट दर्ज होगी तो उसका देन एंड देयर 164 कराया जाना मैंडेटरी प्रोविजन बना दिया। इसलिए 376 से लेकर के 354 तक के सभी अपराध में जितने जो भी अपराध महिला खिलाफ है उसमें 164 करा देने का प्रावधान है। और इसमें वर्तमान समय में जो मुकदमे पंजीकृत हो रहे हैं उसमें अगर कम एज की बालिका है तो उसमें मेन सेक्शन 376 है या 354 है, उसके साथ साथ पॉक्सो एक्ट के भी जो दंड का जो प्रावधान है उनकी धाराएं भी इसमें लगाई जा रही है। इसके अलावा कुछ ऐसी बातें भी इसमें शामिल की गई हैं जैसे कोई बच्चों को कोई अश्लील साहित्य दिखाता है या कोई अश्लील टिप्पणी करता है या कोई इस तरह का कोई ना कोई एक अनैतिक स्पर्श वगैरह करता है। हाँ, ये सब शामिल है इसमें। इसमें पूरा अगर आप पढ़ेंगे तो क्या कहते हैं कि इसमें जैसे कि धारा 3 में पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, इसका जो है पनिशमेंट धारा 4 में दिया गया है जिसमें कि कम से कम 7 वर्ष की होगी जो आजीवन कारावास तक की होती है। इसी तरीके से धारा 7 में लैंगिक हमला है, इसमें किसी प्रकार का जो है जो आपने पूछा जो कोई लैंगिक आशय के साथ बालक को ऐसे व्यक्ति या अन्य किसी साथ ऐसा कोई अन्य कार्य करता है, शारीरिक संपर्क अंतर्ग्रस्त होता है, उसके द्वारा लैंगिक हमला किया जाना माना जाएगा। और इसका दंड का प्राविधान धारा 8 में है जिसमें कम से कम 3 वर्ष की सजा होगी और अधिकतम 5 वर्ष की सजा होगी। अगर हम बात करें पुलिस द्वारा की जाने वाली इन्वेस्टिगेशन की, विवेचना में क्या विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है पुलिस द्वारा और कितने दिन के अंदर विवेचना की रिपोर्ट पुलिस द्वारा प्रस्तुत की जाती है? अगर इस प्रकार का कोई मुकदमा पंजीकृत होता है तो सबसे पहले तो बालक का भी कथन अभिलिखित किया जाएगा। इसमें यह सुनिश्चित होगा कि किसी भी स्थान पर बालक अभियुक्त के किसी भी प्रकार के संपर्क में न आ जाए पहली, और बालक के कथन को बालक के निवास पर या ऐसे स्थान पर जहां वह साधारणतया निवास करता है या उसकी पसंद के स्थान पर और जहां तक संभव हो उपनिरीक्षक की पंक्ति से अन्यून किसी स्त्री पुलिस अधिकारी द्वारा अभियुक्त किया जाएगा। बालक है तो खैर अलग बात है, लड़की है तो महिला द्वारा ही उसका कथन जो है अंकित किया जाएगा। इस तरह के मुकदमों में जो ट्रायल चलता है तो क्या एक सामान्य मुकदमे की तरह इसमें प्रक्रिया अपनाई जाती है या किसी विशेष कोर्ट में या किसी विशेष तरीके से मुकदमे चलते हैं? इसके लिए जो है स्पेशल कोर्ट डिजाइनेटेड कोर्ट बनाई गई है त्वरित विचारण के लिहाज से, जिससे कि इसका स्पीडी ट्रायल हो सके। राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रत्येक जिला के लिए इस अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए सेशन न्यायालय को जो एक विशेष न्यायालय होगा परिभाषित किया गया है जिससे कि वहां पर स्पीडी ट्रायल हो सके और उसको न्याय मिल सके।